नमस्कार जय जगन्नाथ ओडिया ब्लॉग्स पे मधुस्मिता आपण मनकु बहुत बहुत स्वागत। तो केमिति अछने आपण माने कमेंट करके निहाती जणेबे। तो एबे मोर एक्चुअली वीडियो एडिटिंग ए सब सल्ला वीडियो एडिटिंग टाइम रे मो एमिति ही बसी थाए कानरे गोटे देखी काई कि नहले तो काम हबनी। तो आज टाइम एबे हेलाणी पाखा पाखी 4:15 बट आज मु लंच स्किप करछि काई कि ब्रेकफास्ट हेला दोसा आ चटनी। दोसा चटनी एते खाइली कि मते आ लंच टाइम रे भोक लागलानी। बट एबे जेतु 4:00 हेलाणी मते टिके मैंने भोक लगुच्छी। तो वीडियोटा भी पोस्ट करी भी, पोस्ट करके अपलोड चलती। अपलोड जमीती सेमती जी खाईपाई आई सारिकी टी फ्रेश हवा मानने दिन सारा पूरा गोटे 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 पर गोटे। एक्चुअली काली सहला बेलू टे लेट होगा आज लेट्रे उठिली मैंने उठला बेलू हो जाता 7:30। 7:30 जल्दी जल्दी आंजल टीफिन विफिन उठी पठेवा सीए भी आज उठला गला बेलू पूरा कें के होता। तो एमती समितर मोर पूरा चली चली। तो बाहर होता प्रबल बर्षा से लुगापटा ये सब ये पड़ी ये सब को भी रखार अच्छी। आज मुझे स्टार्ट करदेवि पैकिंग कहीं दिन ना पैकिंग करवाई। तो से जल्दी जल्दी टी पैकिंग फेकिंग करवा। पैकिंग कर सारापर रोष घर मत क्लीन करार अच्छी। सका रोष घर भी क्लीन करनी। तो एमतीया पड़ी प्रथम पेट पूजा हम तापर ये सब बाकी कम हम। तो से आपण मान गोटे रिक्वेस्ट। तो वीडियो को निश्चय देखुवे भलपाइवा दौथे ता सहित वीडियो को लाइक करेंगे। आउ चैनल जदि नुआ अच्छा सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब करदे जो रेड कलर बटन अच्छी यहाँ बिल्कुल भी फ्री। तो आपण मन को किसी भी पैसा एमती देवाक पड़बन मोपाई से बहुत मैटर करे। बहुत जन मत पचारे कि दीदी तुम सब्सक्राइबर कहीं बढ़ुना एमती सेमती। तो सब्सक्राइबर आपण मान हाथ में ही अच्छी मु मोर सीना जहाँ डेली लाइफ रे होची जहाँ भी दुख है सुख है आपण मानक निजर करके भाविकी कहूँगी मोर टिकी दुनियाटे सामिल हाँपाई आपण ही मानने इंटरेस्टेड हवा हबार अच्छे। तो से सब वीडियो को लाइक करेंगे चैनल रे सब्सक्राइब करदे मैंने आपण मानक ऑलमोस्ट नोटिफिकेशन पलैब ना बेल आइकन को भी दबाईदे। तो चलो वीडियोटा पोस्ट ऑलमोस्ट हो गला करी मुझे कथा होती। देखु मो दोसा बनाऊँ खाइबी बोली जमी कही भोक लगुच आज लंच रहा पालंग शाग डाली भात सहित ये आलु जो छोट आलु भजा। बट मो भात खाइबी दोसा खाईदेवि दोसा आठ ब्रेकफास्ट चटनी बनई टी अध करके बनई कहीं तो एम दोसा खाई थाए। तो यहाँ टमाटो बुट आस पिज कंचा लंका धनिया पत्र एमती सब पक बनई। तो टिके जस्ट चटनी नेबा दोसा दोसा सहित एंजय करवा। ब्लॉग को तो आपण मैंने आग को एंजय करेंगे ता पूर्व मुझे सहित गोटे टॉपिक विषय में कथ हेबी गोटे इम्पोर्टेंट टॉपिक जोटा कि आप बहुत हेल्पफुल रहा। आज मुझे कथ हेबी व्हाइट डिस्चार्ज विषय में। व्हाइट डिस्चार्ज कौन व्हाइट डिस्चार्ज हूँ गोटे नेचुराल प्रोसेस जोटा कि आम मानक थाए पीरियड्स पूर्व हो कि पीरियड्स पर हो व्हाइट डिस्चार्ज होता है। जिते बड़े जदि व्हाइट डिस्चार्ज हो तो आपने जानवे कि आपण मानक भितर जहाँ भी मैला था व्हाइट डिस्चार्ज फॉर्म रे बॉडी ताकू बाहर कर दिए। जमती कि एग्जांपल आम नहीं जा कानर आम मानक डस्ट कि कान भितर पशुची तो सी मैलाटा को वेक्स फॉर्म रे बाहर करे। आखिरे सेमती भी धूली एमती पशुची तो सी लेंजरा फॉर्म रे आम मान को बाहर कर दिए मैलाटा को। तो सेमती ही एटा होची गोटे नेचुराल प्रोसेस। बट केते जनकर कौन होता है ना बहुत व्हाइट डिस्चार्ज अधिक हुए सेतेबेला आपण माने कोनोसी भी डॉक्टर सहित कंसल्ट करि परिबे। व्हाइट डिस्चार्ज चा होची गोटे नॉर्मल प्रोसेस। तो सेतिपई बेले बेले कौन हुए ना व्हाइट डिस्चार्ज पई आम माने गोटे कनसर्न सब बेले था कि पीरियड्स आसीगला कि एमती कनसर्न होता आउ जहाँ फल कि आम प्राइवेट एरिया बहुत स्वेटिंग परिका लगे बहुत वेट लगे से टाइम आम मैंने गोटे बढ़िया जिनस यूज करा हूँ पेंटिलाइनर। आज मुझे कथी एवर्टिन पेंटिलाइनर विषय में। एवर्टिन पेंटिलाइनर आपण मानक स्पेशली व्हाइट डिस्चार्ज को स्टॉप करिया ना तो आपण मानक पीरियड्स टाइम जदि हेवी फ्लो न हो भी आपण मैंने आराम से यूज करेंगे जमीक सी पेंटिलाइनर टा आराम से
से हैंडल करदेव। तो ये स्क्रीन उपरे तो आपण मैंने देखिपड़ी एटा हूँ गोटे कटन रुत थीन गोटे छोटिया नापकिन टे जोटा कि बहुत हैंडी रहा ट्रावेल टाइम रे भी आपर पर्स रखिपारे जिते आपको रिक्वयरमेंट होते आपने यूज करेंगे। व्हाइट डिस्चार्ज जहाँ हूँ गोटे नेचुराल आउ नॉर्मल प्रोसेस जदि आपर व्हाइट डिस्चार्ज रे किसी कलर एपट सेपट होमती बहुत हेवी फ्लो है ना ही तो कलर जदि टे येलोइश है यही सब केस मैंने निजर फैमिली डॉक्टर सहित कनसल्ट भी करेंगे। आदि आपने चाहूँ कि एवरटीन पेंटिलाइनर को यूज करने तार लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देदेसी ऑनलाइन इजीली अवेलेबल अच्छी गोटे पकेट आपको 30टा जेहेतु मिल जाऊँ नैपकिन तो इजी टू यूज फ्रीली एवरटीन डॉक्टर मान सहित भी कनसल्ट करेंगे। तार पूरा प्रोसेस मुझे तले डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देदी जाकि रजिस्टर करूँ आ डॉक्टर मान सहित आपने कनसल्ट करेंगे। हेलो गाइस, माय नेम इज तमन्ना। मी तमन्ना शॉपिंग फिनिश नेक्स्ट टाइम देती नहीं ना समस्त थैला बाप बिहतल दी ना बिहतल दी ना हाँ अरे मोम बिहतल दी व्हाइट फिश। हेलो ड्रेस देखिए बहुत टाइम हो गला मानते मुझू भी एक्चुअली पड़ी थी से सांगा डाकि नुआ नुआ प्लांट सब आने डाकि मत शुणी पूरा एक्साइटेड कि प्लांट आनी देखा पड़ी थी दीटा ज्ञान देखिए आसली कहीं बहुत प्लांट लवर मानते से जापार नहीं कि प्लांटा के टाँचा मानते 200 टाटा से 400 टकर भी आणुची कहली से कहला कि नेक्स्ट टाइम गले तू मो सहित जीव एम कहती कथबार्ता आसलु तार झीलटा एंजल बयस गोटे पाखापाखि 20 दिन में एमती कौन छोट बड़ सब तो से एंजल सहित कथबार्ता होने खेलुले मुझे मोर कथबार्ता होगी तापर एवं आसिक बनाऊँ मशरूम कहीं मशरूम थी एक्चुअली दु दिन हो गला तो मशरूम टा टे कला पड़वा भी स्टार्ट कला तो से मशरूम टा बन दूसरी पिज अदा रसुन पेस्ट बन बहुत सिंपल वे सिंपल वे बनाए तो चलो आप देखी दी तो ये देखूँ अदा रसुण पेस्ट पकई दे सब गुड़ाक भलसे टे फ्राए कालापर ए टमाटो पकई दूसरी टमाटो पकईकि आपके सल्ट देखिए ढाकिक रखी दिखाँ जमी टमाटोटा बहुत सफ्ट हो जाए आउ बहुत मसला मसली करके तरकारी डेली लाइफ रे तो खाई हेनी से ट्राए कैर जमी सिंपल वे रे बहुत भल हेल्दी वे रे बन पारि तो ये देखो टे बटर मुझे पकई दूसरी बटर पकईले बहुत बढ़िया टेस्ट आसता है कहीं मो ऑयल जेहेतु कम यूज करी से वन स्पून खंडे बटर ये पकई दूसरी जदि आपल बेसी यूज करते लास्ट टिके जस्ट बटर पकेबे ए टाइम रे पकेबा किसी दरकार नहीं तो ये देखो तापर सुखा मसला जहाँ जमी कि रेड चिली पाउडर हो गला हलदी गुंड हो गला धनिया पाउडर हो गला एतिक मुझे यूज करदेवि तापर ताको भलसे टिके मिक्स करी मिक्स करी तापर जहाँ मशरूम जो काटिक रखी बटर मशरूमटा ये तो आउ बाकी किसी मशरूम मिले कि न मिले मुझे जानी मत यही बटर मशरूम ही बाहर मिले ओडिशा गले से जो बहुत प्रकार मशरूम टिके खाया मिले बट एठी से गुडा सब किछ भी मिलेनी जहाँ मिलतिला सेटा को ही धोई के एठी एबे पकेई दूछे ढक्कन लगा खीरो बहुत गुडा बची जाई छी त सेथिपई मिस्टर कहले कि किछ गुडा खीरी बनेई दे खीरो गुडा पीबेनी कहिले सेथिपई एटा गुटे हमर पल्लाडा मिक्स बोली गुटे मु बेंगलोर रु आसला बळ को आनथली त ऑलमोस्ट 4 मास होई गलानी त सेथिपई एटा को आउ रखिबानी एबे घर को भी बळेबी सारिवार अछि नले रही जीव पुणी अथरे त एथे सब मिक्स हेके आसे माने चीनी पिनी देखी पड़ते काजू फाजू सब मिक्स होके आसे काजू किसमिश सब मिक्स अच्छी खाली तीतने पकेवा कथा तो क्षीर भितर भी पकईद अधा करी आधा पर करी
ଏମିତିଆ ହେଇଗଲେ ନା ବନେଇବା ପାଇଁ ଇଜି ହେଇଯାଏ। ଏଇଠି ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ଏମିତିଆ ତ କିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ବାକି ଏଇଟା ଇଏ ବେଳେ ମିଳେ ମାନେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ପଟେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ହୁଏ ତାମିଲ ପଟେ ନା ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ମିଳେ। ଏମିତି ଦାନା ଦାନା ପରିକା ଥାଏ, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦାନା ଦାନା ପରିକା। ଏପଟେ ଆମର ମସରୁମ କରି ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ମୁଁ ଏଥିରେ ପକେଇ ଦଉଛି, ଯୋଉଟା ନର୍ମାଲି ମୁଁ ଇଏରେ ୟୁଜ୍ କରେ, ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ପକେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ୟାକିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଯାହା ନେବି, ତ ରାଣ୍ଡମ୍ଲି ପାଉଚ୍ ଗୁଡ଼ା ମୋତେ ଦରକାର, ସବୁ ଜିନିଷ କସମେଟିକ୍ସ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଯାହା ବି ମୋର ସବୁ ଜୁଏଲେରୀ ମେକଅପ୍ ଏଇସବୁ ଏଇସବୁ ନେବା ପାଇଁ କାମରେ ଦେବ। ଆଉ ଦୁଇଟା ବ୍ୟାଗ୍ ଖାଲି କଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଠି ମୁଁ ଗଦେଇ ଦେଇଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ନୂଆ କପଡ଼ା, ନୂଆ କପଡ଼ା ଯାହା ମୁଁ ଯାହା ବେଶୀ ନଉଛି ମୋର ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ପ୍ୟାକିଂ ମାନେ କାଢ଼ିଦେବି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ କାଢ଼ିଲା ପରେ ଯାଇକି ତ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଲାଣି 10:30। ଆଉ କାମ ଫାମ ଏବେ ସାରିକି ଆସିଲି, ରୋଷେଇ ଘରର ବାସନ ଫାସନ ମାଜି ହେଲାଣି, ଆଉ ଆଞ୍ଜେଲର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ସେ ଖରାବେଳେ ଶୋଇନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଶୁଆଇଦେବି, କହୁଛି କି କାଲି ସ୍କୁଲ ଯିବନି। ତ ସବୁବେଳେ ତାର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଜିକାଲିର ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା କି ରାତିରେ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ମାମା ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବିନି। ନାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୋତେ କହିବେ ତ, ହେଲା ସମସ୍ତେ କହିବେ ଚାଲେ। ତା ପାପା କୁଆଡ଼େ ଲେଟ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, କହୁଛି ମିଛ କଥା, ସେ ଗୋଟେ ହେଇନଥାଉଛନ୍ତି ଇଏ କାନ୍ଦୁଛି କହିକି ଯାଇକି ସେଇଠି ହାଜର ହେଇଥାଉଛନ୍ତି, କହୁଛି କି ଲେଟ୍ରେ ଆସୁଛି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ତ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଆଞ୍ଜେଲ ତ ପଳେଇଲାଣି, ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସବୁ ରେଡି ଚାଲିଛି, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଆଜି ହବ ଇଡ଼ଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଚଟଣି ଅଛି ମାନେ କାଲିର ଯେଉଁ ଦେଖେଇଛି ନା ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି କରିଥିଲି ମିଶ୍ର ଖାଇନାହାନ୍ତି ସେ ଚଟଣି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି ତ ଆମେମାନେ ଖାଇଦେବୁ। ଆଉ ପାସ୍ତା ଟିକେ ବନେଇଥିଲି ଆଞ୍ଜେଲ ପାଇଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପାଇଁ, ତଥାପି ବି ଏତିକି ବଳି ଯାଇଛି। ସେ କ'ଣ କରେ କହୁଛି କି ମାମା ତୁ ପାସ୍ତା ବନେଇଲା ଟିକେ ଅଧିକ ବନେଇ ଦେ, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆସିକି ଖାଇବି। ହବ ଯଦି ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଖାଇବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ମିଶ୍ରକୁ ଦେବି ଯଦି ସେ ଖାଇଦେବେ। ଆଉ ଆଜି ହବ ଇଡ଼ଲି। ପ୍ୟାକିଂ ଅଲମୋଷ୍ଟ ମୋର ସରିଲା, ମାନେ ଯାହା ବି ଡ୍ରେସ୍ ନେବା କଥା, ଆଉ ବାକି ତ ବହୁତ ସାରା ଡ୍ରେସ୍ ଏଇଠି ଅଛି ମାନେ ଡେଲୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁର୍ତ୍ତି ଫୁର୍ତ୍ତି ବହୁତ ସାରା ସେଇଠି ରଖିଛି, ତ ସେଇସବୁ କିଛି ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ ଯେମିତି ବାହାରକୁ ମାର୍କେଟ ହେଇଗଲା ଏଇସବୁ ପିନ୍ଧିବି, ନେବାକୁ ତ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବଟ୍ ମାନେ ବେଶୀ ଲଗେ ସେଇସବୁ କହିକି ନଉନି। ଏଇ ଟ୍ରଲିଟା ବାକି ଅଛି, ଏଇ ଟ୍ରଲିରେ ରହିବ ବାପ ଝିଅଙ୍କର, ଆଉ ମୋର ଏଇ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ପୁରା ହେଇଗଲା, ଆହୁରି ମୋର ଜୁଏଲେରୀ ଏଇସବୁ ଅଛି, ଚୁଡ଼ି ଫୁଡ଼ି ଟିକେ ନେବି, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଶାଢ଼ୀ ବି ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବରହମପୁର ଯାଏ ନା ସେତେବେଳେ ହିଁ ସବୁ ସିଲା ସିଲି କାମ କରିଦିଏ, ତ ସିଲାରେ ଏଇସବୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେହେଙ୍ଗାଟେ ଅଛି, ଆହୁରି ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ଟେ ଅଛି, ଏଇସବୁ ମୋତେ କୋଲାବ୍ରେସନରେ ରିସିଭ୍ ହେଇଥିଲା, ଏଇସବୁ ସିଲେଇବାର ଅଛି ମୋତେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ସୁଟ୍ଟା, ବଟ୍ ଏଇଟା ସ୍ଲିପ୍ଲେସ୍ରେ ଅଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏଇଠି ଟିକେ ନେଟ୍ ପକେଇକି ତାକୁ ସିଲେଇବା ପାଇଁ କହିବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇସବୁ ବି ନେବାର ଅଛି। ଏଇ ଦୁଇଟା ଆହୁରି ଶାଢ଼ୀ ବାହାରିବ, ତ ସେଇ ସବୁ ମିଶିକି ଆଉ ଟିକେ ପ୍ୟାକିଂ ହବ, ଏଇ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ବାକି ଯାହା ଜିନିଷ ରହିଲା ସେସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ପ୍ୟାକ୍ କରିବି। ଆଞ୍ଜେଲର ମେ ବି ଯଦି ହବ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଞ୍ଜେଲର ରଖିଦେବି, ମିଶ୍ରଙ୍କର କାଲି ଆଡ଼ୁ ରଖିବି, କାହିଁକିନା ଟିକେ ଟିକେ କରିକି ରଖିଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି କେତିକି ଜିନିଷ କ'ଣ। ତ ଟାଇମ୍ ଏବେ ହେଲାଣି 12:15, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସକାଳୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କଲି, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପରେ ଘର ପୁରା ମାନେ ସଫା କରିଦେଲି, ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପୁରା ସଫା ଫଫା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍ଟା ସେଇଠି ଅଛି, ଆଉ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାଉଳ ବସ୍ତା, ତ ଚାଉଳ ବସ୍ତାକୁ କିଛି କରିବ ସେଇଠି ସେ ରହିବ,
ଡାଲି ହେଇଗଲା, ଭାତ ବି ହେଇଗଲା, ତା ସହିତ କଣ ଗୋଟେ କରିବା ନହେଲେ ଆମ୍ଲେଟ୍ ଏଇସବୁ କରିଦେବି। ଖଟ ବି ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି, ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କାମ ଥିଲା, ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇବାର ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଫିପଷ୍ଟିକ୍ ମାରିକି ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ବନା ସରିଲା। ଆଉ ଯାହା ବି କପଡ଼ା ଥିଲା ବି ସେଇ ସବୁ ଆଣିକି ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖିସାରିଲିଣି, ତ ବହୁତ ସାରା କାମ ହେଇସାରିଲାଣି। ଭିଡ଼ିଓ କରିକରି ଯଦି କାମ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତା। ୱାସିଂ ମେସିନ୍ରେ ସବୁ କମଳ ଏଇସବୁ ପକେଇଥିଲି, ସେଗୁଡ଼ା ବି ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି, ତ ଶୁଖିଗଲା ମାନେ ବହୁତ ସାରା କାମ ସରିଯିବ। ମିଶ୍ର ଯାଇଛନ୍ତି ବାହାରକୁ, ସିଆଡ଼େ କ'ଣ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ କାମ ଅଛି, କାମ ସରେଇବେ, କାମ ସାରିକି ଆଞ୍ଜେଲକୁ ଆଣିବେ। ବାକି ମୋର ଯାହା ରୋଷେଇ ଘରର କାମ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସରିଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ଭଜାଭୁଜି କରିଦେଲା ମାନେ ରୋଷେଇ ଘରର ବି କାମ ସରିଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଉ ପ୍ୟାକିଂ ଫେକିଂ ତ ଏମିତି ଏବେ ଚାଲିବ, ଆଗକୁ ସପିଂ ହବ, ସେଇ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆଣିବାର ଅଛି, କେତେ ଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ଆମେ ଭାବିଛୁ ଏଇଥିରୁ ସ୍ନାକ୍ସ ବଗେରା କିଛି ଏଇ ଠିକାର, ଯେମିତିକି ଭାକରବାଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଖାପଡ଼ା ପାପଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ ମିଳୁଛି ସବୁ, ସେସବୁ ଟିକେ ନେବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସେସବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳେନି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଜିନିଷ ସିନା ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇକି ଆସିବି, ବାକି ଏଇଠୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଘର ଲୋକ ପାଇଁ ଟିକେ ନେବି, ଆଉ ତାପରେ ସେସବୁ ଆମର ସପିଂ ହବ ଡି ମାର୍ଟରୁ। ଡି ମାର୍ଟ ବି ଥରେ ଯିବାର ଅଛି, ଜଣା ନାହିଁ କେବେ ଯିବୁ, ଆଉ ତିନି ଦିନ ମାତ୍ର ରହିଲା, ତିନି ଦିନ ପରେ ଆମେ ମାନେ ବାହାରିଯିବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଭାବୁଛି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, କାହିଁକିନା ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ୍ଟା ହେଇଥିଲା। ବାକି ଟ୍ରାଏ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କେମିତିଆ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ହେଇପାରିବ ଘରକୁ ଗଲେ, ସେ ସବୁ ବି ମୋତେ ଟିକେ ଆଇଡ଼ିଆ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ବି ଟିକେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହେଇଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲନ୍ତୁ, ପୁଣି ମିଶିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ହାପି।